हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल एक्सरे यूनिट आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल एक्सरे यूनिट क्या होती है इसके कंपोनेंट्स और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिटेल्स में जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो आइए जानते हैं मोबाइल एक्सरे यूनिट के बारे में मोबाइल एक्सरे यूनिट फ्रेंड्स इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में पोर्टेबल एक्सरे यूनिट के बारे में बात की थी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स यह जो आप डायग्राम देख रहे हैं यह मोबाइल एक्सरे यूनिट होती है इट इज इक्विपमेंट विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर एंड यूज एट द बेड साइड मतलब मोबाइल एक्सरे यूनिट वह इक्विपमेंट होता है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और इसे पेशेंट के बेड साइड एक्सरे के लिए यूज किया जाता है लार्जर एंड हैवियर देन पोर्टेबल एक्सरे यूनिट मतलब मोबाइल एक्सरे यूनिट पोर्टेबल एक्सरे यूनिट से बड़ी और वेट में भारी होती है नीड टू बी मोटराइज और पुश्ड बाई ह्यूमन पावर मतलब इस यूनिट को ह्यूमन पावर के द्वारा धक्का देने की आवश्यकता होती है और यह मोटर चलित भी होती है माउंटेड ऑन व्हील्स विद द मोशन ब्रेक प्रोवाइडेड मतलब मोबाइल एक्सरे मशीन में व्हील्स लगे होते हैं और इन व्हील्स के साथ मोशन ब्रेक भी लगे होते हैं अब मोबाइल एक्सरे यूनिट के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं फर्स्ट नंबर कंपोनेंट्स है ट्यूब सेकेंड है ट्यूब स्टैंड थर्ड नंबर है हाई टेंशन ट्रांसफॉर्मर फोर्थ नंबर है कंट्रोल यूनिट तो आइए इनको वन बाय वन अपन डिटेल में जानते हैं फर्स्ट नंबर कंपोनेंट्स है ट्यूब डुअल फोकस रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब मतलब मोबाइल एक्सरे यूनिट में डुअल फोकस रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब होती है जबकि पोर्टेबल यूनिट में स्टेशनरी टाइप की ट्यूब होती है इस यूनिट में डुअल फिलामेंट होते हैं जिससे डुअल फोकल स्पोर्ट प्राप्त होता है जबकि पोर्टेबल में सिंगल फिलामेंट होता है ट्यूब में फोकल स्पोर्ट फाइन फोकस के लिए लगभग 1.0 पॉइंट mm और ब्रॉड मतलब व्यापक फोकस के लिए 2.0 पॉइंट mm फोकल स्पोर्ट होता है सेकेंड नंबर कंपोनेंट्स है ट्यूब स्टैंड ए स्ट्रॉन्ग वर्टिबल कॉलम माउंटेड ऑन द बेस दैट सपोर्ट्स द क्रॉस आर्म विच कैरीज द एक्सरे ट्यूब मतलब ट्यूब स्टैंड मोबाइल यूनिट के बेस पर लगा एक स्ट्रोंग वर्टिबल कॉलम होता है और यह ट्यूब स्टैंड एक्सरे ट्यूब को कैरीज मतलब वेट को वहन करने वाली क्रॉस आर्म को सपोर्ट प्रोवाइड करता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह वाला पार्ट ट्यूब स्टैंड होता है ट्यूब स्टैंड कैन बी डिवाइडेड इंटू फाइव मेजर मोमेंट्स मतलब ट्यूब स्टैंड में फाइव मेजर मोमेंट्स होते हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह है वर्टिकल कॉलम या सेंट्रल कॉलम होता है और यह क्रॉस आर्म होती है और यह है बेस होता है इस वर्टिकल कॉलम और क्रॉस आर्म के बीच फाइव तरह के मेजर मोमेंट्स होते हैं फर्स्ट नंबर है रोटेशन मोमेंट अराउंड द सेंटर ऑफ द कॉलम इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह है जो वर्टिबल कॉलम होता है यह अपने एक्सिस के चारों ओर रोटेशन करता है और इसे आर से इंडिकेट करते हैं सेकेंड नंबर है क्रॉस आर्म मोमेंट्स द एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूब हेड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉलम इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह है जो क्रॉस आर्म होती है वह वर्टिबल कॉलम से आगे व पीछे मूवमेंट करती है और इसे ऐसे इंडिकेट करते हैं थर्ड नंबर मूवमेंट है रोटेशन अराउंड एक्सिस ऑफ द क्रॉस आर्म इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं जो क्रॉस आर्म होती है वह अपने एक्सिस के चारों ओर रोटेशन करती है और इसे डी से इंडिकेट करते हैं फोर्थ नंबर है एंगुलेशन मूवमेंट ए क्रॉस द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड मतलब यह मोमेंट सेंट्रल कॉलम तथा क्रॉस आर्म के बीच होता है मतलब ट्यूब हेड के लॉन्ग एक्सिस को क्रॉस करने वाला एंगल होता है इसे अपन बी से इंडिकेट करते हैं फाइव नंबर है वर्टिकल मोमेंट अप एंड डाउन मैन कॉलम इस फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं जो मैन कॉलम होता है उसके द्वारा वर्टिकल मोमेंट अप और डाउन मोमेंट होता है इसे अपन एच से इंडिकेट करते हैं मोबाइल एक्सरे यूनिट का थर्ड नंबर कंपोनेंट है हाई टेंशन जनरेटर गिव ए मैक्सिमम आउटपुट ऑफ 300 हंड्रेड एम ए एंड वन ट्वेंटी मतलब मोबाइल एक्सरे यूनिट में मैक्सिमम आउटपुट 300 हंड्रेड एम ए और वन ट्वेंटी होता है इंक्लूड फुल वे रेक्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाई मीन ऑफ सेलेनियम रेक्टिफायर्स मतलब इसमें सेलेनियम रेक्टिफायर के माध्यम से प्रोवाइड की गई फुल वेव रेक्टिफिकेशन इंक्लूड होती है द मोबाइल एक्सरे यूनिट कंसिस्ट ऑफ एन अर्थेड स्टील टैंक फिल्ड विथ ऑयल विच हाउजेज द एच जनरेटर रेक्टिफायर एंड फिलाेंट ट्रांसफॉर्मर मतलब मोबाइल एक्सरे यूनिट में एक ऑयल से भरा एक अर्थेड स्टील का टैंक होता है इसमें एच जनरेटर रेक्टिफायर और फिलामेंट ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और यह बेस के पीछे वाले भाग पर लगाया जाता है कनेक्टेड टू द एक्सरी ट्यूब बाई मींस ऑफ हाई टेंशन केबल मतलब एच टी ट्रांसफॉर्मर एच टी केबल के माध्यम से एक्सरी ट्यूब से जुड़ा होता है फोर नंबर कंपोनेंट्स है कंट्रोल यूनिट लोकेटेड बिहाइंड द जनरेटर टैंक ऑन द बेस ऑफ यूनिट मतलब मोबाइल यूनिट में कंट्रोल यूनिट जनरेटर टैंक के पीछे लगा होता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह कंट्रोल यूनिट होती है इसमें मेन ऑन और ऑफ स्विच होते हैं आम ए सिलेक्टर होता है केवी सिलेक्टर होता है फोकल स्पॉट सिलेक्टर होता है बॉडी पार्ट सिलेक्टर होता है और एक्सपोजर इंडिकेटर होता है मोबाइल एक्सरे यूनिट में कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे हैंड स्विच हैंड स्विच इज ए स्विच यूज फॉर द एक्सरे एक्सपोजर प्रोसेस इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह हैंड स्विच होता है और इसका यूज एक्सरे एक्सपोजर प्रोसेस में किया जाता है नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट हैंडल द रेडर ग्रिप इज हैंडल यूज वेन मूविंग द मोबाइल एक्सरे यूनिट इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह है ट्रांसपोर्ट हैंडल होता है और यह एक रेडर ग्रिप हैंडल होता है जिसका यूज मोबाइल एक्सरे यूनिट को मूव कराते टाइम किया जाता है नेक्स्ट है कैसेट बॉक्स द कैसेट बॉक्स इज ए प्लेस टू पुट द कैसेट वेन द प्लेन इज मूवड इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह कैसेट बॉक्स होता है जो कैसेट को रखने का स्थान होता है डिपेंडिंग ऑन द पावर सप्लाई द एक्सरे डिवाइडेड इन टू टू पार्ट मतलब पावर सप्लाई के आधार पर एक्सरे ट्यूब को दो भागों में बांटा गया है फर्स्ट है यूनिट, सेकंड है बैटरी पावर्ड यूनिट अब मोबाइल एक्सरे यूनिट के एडवांटेज के बारे में जानते हैं फर्स्ट है सिंपल मशीन मतलब मोबाइल यूनिट सिंपल मशीन होती है सेकंड है हाई आउटपुट मतलब मोबाइल एक्सरे यूनिट में हाई आउटपुट थ्री हंड्रेड वन ट्वेंटी फाइव होता है थर्ड नंबर है फ्लेक्सिबल ट्यूब मूवमेंट मतलब इसमें ट्यूब को मूवमेंट कर सकते हैं फोर्थ नंबर है वाइड रेंज ऑफ केवी एंड एम ए सलेक्शन मतलब मोबाइल एक्सरे यूनिट में केवी और एम ए की रेंज का सिलेक्शन कर सकते हैं अब डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं इट इज हैवी इन वेट मतलब मोबाइल एक्सरे यूनिट वेट में हैवी होती है सेकेंड नंबर है इट नीड्स स्पेशल मेंटेनेंस मतलब इसमें स्पेशल मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है